ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ओडिशा से हरियाणा सरकार अपने हिस्से की ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। ये जानकारी प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा 132 मीट्रिक टन से बढ़कर 232 मीट्रिक टन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ा सहयोग हरियाणा वासियों के लिए किया। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर यह है अपने आप में कि ओडिशा से हरियाणा सरकार अपने हिस्से की ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करेगी। ये जानकारी प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा 132 मीट्रिक टन से बढ़कर 232 मीट्रिक टन किया गया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंकुर गुप्ता। अंकुर कपूर। अंकुर कपूर साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह से ये ओडिशा से एयरलिफ्ट करने की बात कही गई ऑक्सीजन को, तो हरियाणा वासियों के लिए ये खबर अपने आप में कितनी बड़ी मानी जाए? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा में जो आए दिन खबरें आ रही थी कि रेवाड़ी से और गुरुग्राम से कि आए दिन ऑक्सीजन की कमी से जो मरीज हैं वो मर रहे हैं, उसके लिए हरियाणा में अगर माने तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज हैं, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अब जो हरियाणा सरकार है वो उड़ीसा से ऑक्सीजन के सिलेंडर एयरलिफ्ट करेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में भी यह लिखा है कि सभी तरह की जो औपचारिकताएं हैं वो उनको पूरा कर लिया गया है और सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश को जल्द ही ऑक्सीजन की कमी से छुटकारा मिल जाएगा। जो 7 टैंकर हैं वो एयरलिफ्ट करवा लिए गए हैं। हरियाणा सरकार को जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो बड़ी राहत मिली है, अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने हरियाणा के जो ऑक्सीजन कोटे को अब बढ़ा दिया है। हरियाणा को पहले केंद्र की तरफ से 162 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब यह कोटा बढ़ाकर केंद्र द्वारा 232 टन ऑक्सीजन को हरियाणा कर दिया गया है। जो इसको लेकर कह सकते हैं कि हरियाणा में जितनी भी ऑक्सीजन की खपत है उसको अब पूरा कर लिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने केंद्र का धन्यवाद भी किया है। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने जो अनिल विज ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी किया और मंगलवार को कोरोना वायरस के हालात और अवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई थी कि किसी भी प्रकार से अगर कोरोना लॉकडाउन नहीं लगता है तो धारा 144 लगाकर सख्ती करके कोरोना को कम किया जा सकता है। जी जुबेर जी, अंकुर जी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये 232 मीट्रिक टन की जो ऑक्सीजन की सप्लाई आने की बात गृह मंत्री ने की है, ये हरियाणा वासियों के लिए काफी है क्या? जी बिल्कुल, अभी जब यहाँ पर चंडीगढ़ में यहाँ पर जो सरकार की तरफ से सभी जो जिला प्रशासन है और जितने भी अधिकारी हैं इनकी मीटिंग करी गई थी, तो यहाँ पर जो धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए थे उसके बाद पूरे जब यहाँ पर डॉक्टर थे उनकी अधिकारियों की टीम, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमें केंद्र की तरफ से 162 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन हरियाणा की जो खपत है इस समय वो बढ़ गई है। 232 टन ऑक्सीजन चाहिए हरियाणा को कम से कम कि किसी भी प्रकार की जानमाल का नुकसान ना हो। तो इसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री ने मैंने जो ट्वीट किया था और केंद्र सरकार को भी लिखा था उसको लेकर अब हरियाणा सरकार जो उड़ीसा से ऑक्सीजन ए सिलेंडर की लिफ्ट करेगी, जिससे पूरे हरियाणा में जो 232 टन ऑक्सीजन है वो हरियाणा को देगी, जिससे पूरा हरियाणा में जो ऑक्सीजन की खपत है उसको पूरा किया जा सकेगा। जी जी अंकुर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी एक बड़ा इल्जाम लगाया है हरियाणा सरकार पे कि हरियाणा सरकार जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसे देखते हुए ध्वस्त हो चुकी है, तो क्या कुमारी सैलजा का ये आरोप बेबुनियाद है या ये कहना उनका वाजिब है कि हरियाणा सरकार ध्वस्त हो चुकी है? ये बात तो सही है कि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना की तादाद लगातार बढ़ रही है उससे ये ऑक्सीजन मेरे ख्याल से नाकाफी है। जी बिल्कुल, अगर
हम बात करें हरियाणा की राजनीति की, तो हरियाणा की राजनीति में जो कह सकते हैं कि जो दीपेंद्र हुड्डा है और रणदीप सुरजेवाला हैं, वो अपने ट्वीट करके और दूसरे तरीकों से भी हरियाणा सरकार पर दिन प्रतिदिन अपने प्रहार कर रहे हैं, और कुमारी शैलजा भी दिन प्रतिदिन अपने बयान जारी कर रही है कि इस समय जो हरियाणा सरकार है वो ऑक्सीजन देने में नाकामी साबित हो रही है और किसी भी प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो इसको इन सब चीजों को लेकर जब हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री रणिल विज हैं, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और हमारे ऊपर जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो मैं बता दूं कि हमारे पास डॉक्टर्स, दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अलावा रेमडेसिविर की भी यहां पर कोई कमी नहीं है, क्योंकि विस्तार से हमारी जो बातचीत है उन्होंने ये भी कहा था कि समय रहते इंतजाम कर लिया गया है और साथ ही किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो इसके लिए भी पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कोरोना वैक्सीन के जो टीके अलग अलग दामों पर जो है बाजार में मिल रहे हैं, तो इसके जवाब में जब हमने अनिल विज से बात की थी तो विज साहब ने यही कहा था कि वैक्सीन का जो दाम है वो कंपनी और केंद्र ने तय किए हैं कि हरियाणा में अगर किसी भी वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी, अगर कोई भी कालाबाजारी करता पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जुबेर अंकुर जी, बार बार आप ये बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं भी ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो है ब्लैक मार्केटिंग की खबरें सामने आ रही हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, चाहे भिवानी का जिक्र हम करें या पलवल की हम बात करें, फरीदाबाद से भी कुछ खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, और हैरत की बात तो यह है कि इसमें स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल पाए गए हैं। तो क्या कुछ सरकार ने इस कालाबाजारी को रोकने के उपाय किए हैं और क्या कुछ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो कालाबाजारी की जा रही है आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो कालाबाजारी की जो नियत रख रहे हैं कुछ लोग उस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा? जब हमने जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, जब उनसे हमने बातचीत की कि मार्केट में काफी कालाबाजारी चल रही है, किसी भी सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही, इन सब चीजों को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा था हमें कि केवल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें दिक्कत आ रही है, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ किसी भी सरकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स, दवाइयां। अंकुर कपूर जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जरूरत पड़ने पर हम फिर दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।